तो उसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा कर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन से आप मिस ना हो। सो प्रेस द बेल आइकन एंड बी द फर्स्ट वन टू वॉच माय फ्यूचर वीडियोस। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इंस्टाग्राम के डिलीटेड फोटोज, पोस्ट, रील्स एंड ड्राफ्ट वीडियोस किस टाइप से वापस लेकर आएं। कभी कभी होता क्या है गाइस, हम इंस्टाग्राम पर जल्दी जल्दी में या बाय मिस्टेक कोई फोटो डिलीट कर देते हैं, कोई पोस्ट डिलीट कर देते हैं, अपनी कोई रील्स वीडियो हमसे डिलीट हो जाती है, या हमारी रील्स के ड्राफ्ट फोल्डर में जो वीडियोस पड़ी होती हैं वो हम बाय मिस्टेक डिलीट कर देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि ये हमने क्या कर दिया, अब हम इस फोटो, इस पिक, इस वीडियो को किस स्टेप से वापस लेकर आएँ। सो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपका यही टॉपिक कवर करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पर कोई भी फोटो अगर आप बाय मिस्टेक, कोई भी वीडियो आप बाय मिस्टेक डिलीट कर चुके हैं तो उसको वापस किस स्टेप से लेकर आएंगे। इस ट्रिक में आपका एक बेनिफिट और होने वाला है। सपोज दैट आपने कोई फोटो या कोई रील्स वीडियो अपलोड की थी, उस पर जितने लाइक्स कमेंट्स आए थे, जब आप उसको डिलीट करने के बाद वापस लेकर आएंगे तो उतने लाइक्स कमेंट्स व्यूज आपको वापस वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है गाइस, इसको लास्ट तक कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की ट्रिकी वीडियोस मैं आपके लिए डे बाय डे लाता जाता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और फटाफट इस छोटे से प्रोसेस को आसानी से समझ लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले चलेंगे अपने इंस्टाग्राम के ऐप में। ये मैंने अपना इंस्टाग्राम का ऐप ओपन किया और उसके बाद जाएंगे यहाँ पर प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम का जो है वो ओरिजिनल अकाउंट है जो आपके सामने ओपन हो गया है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेली न्यू अपडेट्स आता रहता हूँ। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको लाइव एक फोटो और एक रील्स डिलीट कर दिखाता हूँ और फिर बाद में बात करेंगे कि उसको वापस किस स्टेप से लाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरी पोस्ट है, तो इसमें से मैं ये वाली जो पोस्ट है इसको डिलीट करता हूँ। सपोज दैट ये एक फोटो दिया हुआ है तो उसको डिलीट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहां पर थ्री डॉट पर क्लिक करके मैं सिंपली इसको यहां से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं वो फोटो यहां से प्रॉपरली रिमूव हो चुका है और मेरी जो पोस्ट है वो यहां पर 301 में से अब यहां पर 300 बची हैं। अफ्ते अब चलते हैं रील्स के सेक्शन में और यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी रील्स जो हैं वो ओपन होकर आ चुकी हैं। इसमें से किसी एक रील को डिलीट करते हैं और उसको वापस लेकर आएंगे। तो मैं यहां से जो टाइगर वाली रील्स है इसको डिलीट करता हूं। ये सबसे अलग हट की रील्स दिख रही है तो मैं इसको यहां पर सिंपल क्लिक करके ओपन करूंगा। उसके बाद यहां पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहां पर सबसे ऊपर आपको डिलीट का फंक्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको यहां से डिलीट कर देंगे। अफ्टेट गए आप लोग देख सकते हैं वो वाली जो रील्स थी टाइगर वाली वो यहाँ से प्रॉपरली रिमूव हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। अब हम इस डिलीट किए हुए फोटो को और रील्स को किस स्टेप से वापस लाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अपनी प्रोफाइल में सबसे ऊपर यहाँ पर थ्री डॉट देख रहे होंगे, थ्री लाइन्स, इन पर सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर योर एक्टिविटी में, ये जो फोर्थ नंबर पर ऑप्शन है योर एक्टिविटी, इसको ओपन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे एक फंक्शन दिखेगा रिसेंटली डिलीटेड, तो इस फंक्शन को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं ये पोस्ट का सेक्शन है और ये जो हमारा है रील्स का सेक्शन। तो हमने जो पोस्ट डिलीट की थी वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वो पोस्ट है जो मैंने अभी डिलीट की थी। अब इसको रिस्टोर किस स्टेप से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल इसको क्लिक करके यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। गाइस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, डिलीट और रिस्टोर। अगर आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर आप इसको कभी भी वापस नहीं ला पाएंगे। लेकिन हम इसको रिस्टोर करना है तो इसके लिए यहाँ रिस्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको दोबारा रिस्टोर पर क्लिक करना है। अब ये फोटो वहीं पर पहुँच जाएगा जहाँ से हमने डिलीट किया था। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे फोटोज़ हैं जो मैंने डिलीट कर रखे थे 16 दिन पहले, 18 दिन पहले। अब बात करते हैं रील्स की, तो रील्स के सेक्शन में जाएंगे। गाइस ये रील्स है टाइगर वाली जो हमने रिमूव की थी, डिलीट की थी। अब इसको ओपन करेंगे, इसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ रिस्टोर के बटन पर क्लिक कर देंगे और आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर में ये हमारी जो रील है ये भी ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रील्स यहाँ से गायब हो गई है। अब बैक चलते हैं अपनी प्रोफाइल में। तो प्रोफाइल में जाने के बाद एक बार यहाँ से जो है वो रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद मैं सबसे पहले पोस्ट दिखाता हूँ। ये मैंने पोस्ट के सेक्शन में गया और आप लोग देख सकते हैं ये वही पोस्ट है जो हमने डिलीट की थी फोटो, ये हमारा वापस आ गया है। रील्स के सेक्शन में चलते हैं और रील्स के सेक्शन में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये टाइगर वाली रील्स जो हमने डिलीट की थी वो यहाँ पर प्रॉपरली वापस आ चुकी है और इसके जो व्यूज़ हैं वो भी यहाँ पर सेम वापस आ गए हैं। जितने कमेंट्स आपको इस पर मिलेंगे वो सारे कमेंट्स भी वापस आ गए होंगे। तो इस स्टेप से आप आसानी से किसी भी फोटो को, किसी भी रील्स को जो आप डिलीट कर चुके हैं आसानी से वापस ला सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।